दुनिया भर में भारत। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत के एक बयान ने पाकिस्तान की चिंता और बेचैनी बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में चुनाव कराने के फैसले को पाकिस्तान को वापस लेना होगा। भारत को उसका यह कदम पूरी तरह अस्वीकार्य है। पाकिस्तान का यह दुस्साहस भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छद्म आवरण दे रहा है, जिसे भारत अपनी अखंडता के विरुद्ध देखता है। विदेश मंत्रालय ने इशारों में आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान को उन सभी क्षेत्रों को खाली करना होगा जिस पर उसने अवैध कब्जा किया है। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी कल जब लेह से चीन को ललकार रहे थे, उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश छिपा था, जिसे समझने में पाकिस्तान को ज्यादा वक्त नहीं लग पाया। घबराहट का आलम इतना बड़ा कि शाम होते होते चिंतित इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली। इस बैठक में रक्षा मंत्री परवेज खटक, जनरल कमर जावेद बाजवा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन नदीम राजा समेत कई सैन्य अधिकारी शामिल हुए। दरअसल पाकिस्तान इस पूरे मामले को चीन भारत की दृष्टि से नहीं देख रहा है। लेह में मोदी की मौजूदगी से उसे पीओके के जाने का डर सताने लगा है। इमरान को कहीं से भनक लगी है कि मोदी काराकोरम होते हुए पीओके पर कब्जे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब यह खबर उन्हें चीन से मिली है या उनकी खुफिया एजेंसी ने उनको आगाह किया है, इसकी जानकारी तो नहीं है। मगर इतना तो तय है कि पीओके को वापस जम्मू कश्मीर संभाग का हिस्सा बनाना भारत का संकल्प है। इसलिए अगर मोदी ऐसा कोई कदम उठा देते हैं तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में देर रात तक चली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के किसी एक्शन से बचाव पर चर्चा की गई। इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया था। ऐसे में पाकिस्तान में यह घबराहट बैठ चुकी है कि इन चुनावों को असफल करने के लिए भारत किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। भारत की फौज लद्दाख में तैनात हो चुकी है। भारत ने अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी पीओके से 20-25 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान को चिंता है कि कहीं चीन से मामला सुलझ गया तो भारत उसे ठोकने ना चला आए। बड़ी बात यह है कि भारत के सामने लगभग घुटनों पर रेंग रहे चीन से भी उसे अब मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। ऐसे में उसके पास भारत से मुकाबला करने की ना ताकत है और ना क्षमता ही बाकी है। यानी भारत की तरफ से किसी हमले की आशंका से पाकिस्तान अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार रहा है। कहा तो यह भी गया है कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना की 2 डिवीजन को तैनात किया है, जिसमें 20,000 मुल्ला सैनिकों की खबर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तमाचा लगने के डर से पाकिस्तान ने इससे साफ इनकार किया है। खबर यह भी है कि उसने अपने एयर डिफेंस रडार भी पूरी तरह एक्टिव कर दिए हैं, जो 24 घंटे पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। इसका मतलब यही है कि शेर के आने की धमक से गीदड़ों में खलबली मची हुई है। रही सही इंडियन आर्मी के उस बयान ने फाड़ रखी है, जिसमें 2 फ्रंट पर एक साथ लड़ने की बात कही गई है। मतलब ढोल से छलनी तक बजाई छनाई सब हो रही है। 20 ग्राम पीतल लटकाकर गदैया नृत्य कराने वाली पाक आर्मी के प्रमुख ने इमरान को तसल्ली जरूर दी है, पर हकीकत यही है कि उनके पास भारत को पीओके में घुसने से रोकने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। भारत के पास जहां आधुनिक हथियारों की बड़ी श्रृंखला है, वहीं सामरिक दृष्टि से भी भारत बेहद मजबूत स्थिति में है। कारगिल की पहाड़ियों से लेकर दौलतबाग ओल्डी तक भारत पाकिस्तान के सिर पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी दिक्कत यह है कि चीन से मामला सुलझा तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी बैरकों में लौट जाएगी, मगर भारत की सेना लेह में तैनात हो चुकी है। यहां पर युद्ध का रसला डिप्लॉय कर दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के सिर पर एक बड़ा खतरा आकर बैठ गया है। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत भी नहीं है कि वे अपनी सेना को ज्यादा दिन तक बड़ी तादाद में एलओसी पर रख सके। इसलिए भारत चीन की टेंशन ने उसकी घबराहट ज्यादा बढ़ा रखी है। खासतौर से पीएम मोदी जिस तरह अचानक से चौंकाते हैं, उससे पाकिस्तान का पूरा तंत्र हिला हुआ है, क्योंकि मोदी का यह गेम चीन और पाकिस्तान की समझ से परे है। यानी यह दोनों अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि मोदी किसी हमले की रणनीति बना रहे हैं या फिर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि चीन ने एलएसी के पार सेना का जमावड़ा जरूर बढ़ाया है, मगर चीन को लगता है कि भारत से उसका युद्ध मुश्किल है। पर पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ी हुई है। जिनपिंग ने गलवान घाटी में जो बीज बोया है, उसकी फसल पीओके के रूप में कटने का संकट बढ़ गया है।
चीन तो एक बार की बचकर भाग जाएगा, परंतु वह मोदी को उनके सिर पर खड़ा जरूर कर जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान अधिक समय तक पीओके को बचाकर नहीं रख सकेगा। अगर भारत की सेना पीओके की तरफ बढ़ी तो फिर अक्साई चीन बचा पाएगा, इसकी संभावना भी दूर दूर तक नहीं है। इसलिए भारत की सेना का लद्दाख में स्थापित होना रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहां रहकर इंडियन आर्मी जहां चीन की एकड़ी निकालती रहेगी, वहीं पीओके तक उसकी पहुंच भी आसान हो जाएगी। चीन का दम भारत पूरी तरह देख चुका है, इसलिए पाकिस्तान से टकराव में चीन बामुश्किल ही पाकिस्तान के साथ आ पाएगा। फिर यदि आया भी तो एक और माओ घाट बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।